दिस वीडियो इज अबाउट द मोस्ट अवेटेड आईपीओ. यस, यू गेस्ड इट राइट. इंडिया की लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC अपना आईपीओ जल्द ही लेकर आ रही है. आइए जानते हैं कुछ की डिटेल्स इस कंपनी के बारे में. इंडिया में LIC पिछले 65 ईयर्स से लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है. सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1956 द कंपनी हैज डॉन्ड मेनी हैट्स. किसी इंडिविजुअल की फाइनेंशियल प्लानिंग से लेकर डिस्ट्रेस कंपनीज को बेल कराने तक LIC हैज बिकम द गो टू सेवियर फॉर सिटीजंस एंड गवर्नमेंट अलाइक. और इम्पोर्टेंटली, प्राइवेट प्लेयर्स से फियर्स कॉम्पिटिशन के बावजूद कंपनी ने अपनी डोमिनेंट पोजिशन को मेंटेन किया है. और अब LIC के पॉलिसी होल्डर होने के साथ साथ यू कैन ऑल्सो बिकम एन इन्वेस्टर इन द स्टेट ओन्ड लाइफ बहमोत. क्योंकि LIC इज ऑल सेट टू लॉन्च इट्स IPO, हियर आर द डिटेल्स. 1956 में 5 करोड़ की इनिशियल कैपिटल के साथ LIC एस्टैब्लिश हुआ था. Since then, LIC has grown multifolds and today is a household name. Financial year 21 mein, in terms of new business premium, yani ki NBP, LIC ka market share 66% tha. It is also the fifth largest insurer in the world in terms of gross premium. Term or health insurances, savings or unit-linked insurance tak company apne 29 crore policyholders ko variety of products offer karti hai. Financial year 21 mein, it sold more than 2 crore individual policies in India with a market share of 75% in this segment. चलिए अब एक नजर डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर. पिछले 3 सालों में कंपनी के नेट प्रीमियम में स्टेडी ग्रोथ हुई है. साथ ही क्लेम्स में बढ़त के बावजूद प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई दी है. अब देखते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ्स और रिस्क क्या क्या है. तो अगर हम यहाँ पे स्ट्रेंथ्स की बात करें, LIC रीचेस इट्स कस्टमर्स थ्रू ओमनी चैनल नेटवर्क. उसके पास वाइड एजेंट नेटवर्क है ऑफ अराउंड 13 लाख एजेंट्स. साथ ही कंपनी पॉलिसीज को बैंक पार्टनर्स, ब्रोकर्स और डिजिटल चैनल्स के द्वारा भी बेचती है. पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में कंपनी के बिजनेस में बढ़त हुई है. बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 19 एंड फाइनेंशियल ईयर 21, LIC's NBP और द प्रीमियम रिसीव फ्रॉम द न्यू पॉलिसीज एवरी ईयर ग्रू एट अ CAGR ऑफ 13.5%. LIC इंडिया की लार्जेस्ट एसेट मैनेजर है विद 39 लाख करोड़ एसेट अंडर मैनेजमेंट एज ऑफ सितंबर 2021. इनफैक्ट LIC's इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड कंपनीज अकाउंट फॉर अराउंड 4% ऑफ द टोटल मार्केट कैप ऑफ NSE. चलिए अब देखते हैं कि कंपनी क्या क्या रिस्क लेके चल रही है. कंपनी फेसेस सिग्निफिकेंट कॉम्पिटिशन फ्रॉम लार्ज प्लेयर्स लाइक HDFC लाइफ, SBI लाइफ एंड ICICI प्रू लाइफ. इनफैक्ट इन द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 कंपनी का मार्केट शेयर गिरकर 63.6% पर आया है. इसके मुकाबले फाइनेंशियल ईयर 19 में कंपनी का मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 66% था. पैंडेमिक के चलते इंश्योरेंस क्लेम्स बाय डेथ्स हैव इंक्रीज्ड और ऐसे इवेंट्स के चलते कंपनी का ये रिस्क फ्यूचर में भी फेस करना पड़ सकता है. साथ ही साथ लॉकडाउन की वजह से एजेंट्स की सेलिंग कैपेसिटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है. तो ये थे कंपनी के स्ट्रेंथ्स और रिस्क. हमने देखा कि पिछले 3 सालों में कंपनी प्रॉफिटेबल रही है. साथ ही साथ इंडिया का इंश्योरेंस सेक्टर फास्ट ग्रोइंग और हाईली अंडर पेनेट्रेटेड है. दिस प्रोवाइड्स अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर ग्रोथ डिस्पाइट द राइजिंग कंपटीशन. और फाइनेंशियल ईयर 21 से 26 के बीच में इंडिया में न्यू बिजनेस प्रीमियम इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ CAGR ऑफ 17% टू 18%. इस इंडस्ट्री में डोमिनेंट प्लेयर होने के नाते LIC को इस ग्रोथ का फायदा हो सकता है. And well, that is all you need to know about LIC IPO. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें.